हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर शशिकला तिवारी, आपकी फ्रेंड कम डॉक्टर, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज का टॉपिक है नॉर्मल डिलीवरी। एक पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसका डिलीवरी का टाइम आ रहा है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। जब भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाएंगे, आपके डॉक्टर साहब एक टेंटेटिव आपको डेट दे देंगे कि इस समय आपकी डिलीवरी होनी है। लेकिन डिलीवरी उस समय ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट 80% केसेस में हमने देखा है कि डिलीवरी पहले हो जाता है, 2 सप्ताह पहले हो जाता है। तो पेशेंट काफ़ी डरा रहता है, मतलब एक फीमेल डरी रहती है, अगर पहली बार हो तो ज़्यादा डरी रहती है। उसको पता नहीं है कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से क्या होगा, मैं क्या खाऊं, मैं कैसे चलूं, मैं क्या परहेज़ करूं, हस्बैंड से फिजिकल इंटीमेशन रखूं कि ना रखूं। तो एक तो वो फिजिकली भी डिस्टर्ब रहती है कि एक 11-12 केजी का वजन लेके उसको मूवमेंट करना होता है 9 महीने के आसपास। दूसरा, वो मेंटली भी स्ट्रेस रहती है कि क्या मेरा बच्चा ठीक रहेगा, मैं ऐसी कोई गलती ना कर दूं कि इतने 9 महीने का मेहनत वेस्ट हो जाए। बहुत सारे पेशेंट को लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, कैसे क्या होगा, कहीं कोई हमें गलत तो नहीं बता रहा है, क्या ज़बरदस्ती का सिजेरियन तो नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आज के टाइम में ये थॉट भी बहुत सारे पेशेंट के पास आता है, वो डरे रहते हैं, वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भाई खाली फोकट का हमारे सिजेरियन सेक्शन ना हो जाए। इसी के बारे में आज आपको मैं एनलाइटन करने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। 8वें या 9वें महीने के अल्ट्रासाउंड पे बेसिकली हमें समझ आ जाता है कि बच्चा का सिर किस तरफ है। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग मैं भी एक 8वें महीने यानी 32 सप्ताह पे एक अल्ट्रासाउंड कराती हूँ ताकि मुझे समझ आ जाए कि हमारा जो बच्चा है उसका सिर किधर है, नंबर वन, जैसा कि मैंने अल्ट्रासाउंड वाले वीडियो में बताया था। नंबर टू, पानी ठीक ठाक है कि नहीं। नंबर थ्री, गले में कोई फंदा तो नहीं है। नंबर फोर, बच्चे को सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। तो जो वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 3rd trimester के अल्ट्रासाउंड के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो आप मेरे इस बात को रिलेट कर पाएंगे। सो इन सब चीज़ों को एसेस करके हमें ये समझ आ जाएगा कि अगर कोई फंदा नहीं है, पानी कम नहीं है, सांस में तकलीफ नहीं है, बच्चे का वजन ठीक है और बच्चे का सर नीचे की तरफ है और माँ का पेल्विस यानी नीचे से हम एग्जामिन करते हैं, जहाँ से महीना आता है वहाँ पर एग्जामिन करते हैं कि बच्चे का सिर और माँ का पेल्विस एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है कि नहीं। अगर सब चीज़ें सही हैं देन बिंगो, इट्स अ सिचुएशन फॉर नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं रहती हैं तो हमको फोर्सिबली, वी आर फोर्स टू टेक स्टेप्स, तब हमें सिजेरियन करना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी होती है। लाइक मैं एज अ ऑब्स्टेट्रिशियन मैं बिलीव करती हूँ कि जो नेचुरल चीज़ है वो बेस्ट होता है ना। अगर प्रकृति ने बनाया है नीचे से डिलीवरी लेने का, वो हमेशा बेस्ट होता है। लेकिन अगर सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज है, बच्चे को तो हमको निकालना है ना, बच्चे को तो हमको सेफ रखना है और माँ को भी सेफ रखना है, द लास्ट ऑप्शन इज द सिजेरियन सेक्शन। अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करें? आप जिस तरह से एक्सरसाइज करती हैं वैसे एक्सरसाइज नहीं करने, आप वॉक कर सकती हैं। जितना आप वॉक करेंगी बच्चे का सिर उतना नीचे यानी पेल्विस की तरफ जाएगा। आप अपने जो टमी है, जो आपका बढ़ा हुआ पेट है, उसको सपोर्ट करके वॉक करें, ये सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। कुछ एक पेल्विक एक्सरसाइजेस भी करते हैं लेकिन मैं पेशेंट को जब तक डेमोन्स्ट्रेट ना करूँ वो बताना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि एक गलत एक्सरसाइज प्रेसिपिटेट कर सकता है एनीथिंग बैड। थर्ड थिंग इज, बहुत सारे पेशेंट घबराए रहते हैं, फॉल्स लेबर पेन लेके आ जाते हैं। वो इतना गूगलिंग करते हैं लेबर पेन में क्या होता है, दर्द होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, और पेशेंट डर करके आ जाता है, मैडम मुझे तो लेबर पेन शुरू हो गया। बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फॉल्स लेबर पेन वर्सेज ट्रू लेबर पेन, यानी कि सही लेबर पेन या फिर गलत लेबर पेन। सिर्फ दर्द होना पेट में इज नॉट लेबर पेन। लेबर मतलब बहुत मेहनत, बहुत मेहनत करके डिलीवरी करनी है, दैट इज़ कॉल्ड एज लेबर पेन। तो ट्रू लेबर पेन क्या होता है? आपको नीचे यानी नीचे वाले पेट की तरफ दर्द शुरू होगा और वो दर्द आपके पीठ की तरफ जाएगा। दर्द आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली रहेगा, इट विल कम एंड गो। और जैसे जैसे समय गुजरेगा आपके दर्द का इंटेंसिटी यानी ज़्यादा दर्द होगा और फ्रीक्वेंसी यानी बार बार होगा दर्द। इसके साथ आप नीचे से देखेंगे जहाँ से आपको पीरियड्स आते हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको फीलिंग हो रही है कि कुछ ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है। आप समझ लीजिए दिस इज़ ट्रू लेबर पेन। इमीडिएटली अपने डॉक्टर साहब को फ़ोन करें, कंटैक्ट करें एंड देन गो फॉर इट। आज के टाइम में द टेक्नोलॉजी इज़ रियली एडवांस्ड। अगर आप देखेंगे वो ज़माना नहीं है कि भाई औरत है, वुमन है, डिलीवरी करने आए तो भर भर के पेन बैर करना, नहीं। आज के टाइम में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, बहुत ही स्मार्टली पेनलेस डिलीवरी करते हैं। इनिशियली आपको थोड़ा सा एहसास होगा जैसे पीरियड्स का पेन होता है वैसा, उसके बाद हम ब्लॉक कर देते हैं, पीछे से एक सुई दी जाती है
एंड यू आर रियली रिलीव्ड। तो ये तो हम समझ गए कि भाई एक नया कॉन्सेप्ट भी है पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी का, चलो थैंकफुली एक कॉन्सेप्ट है। तीसरा, कई बार पेशेंट को लगता है या बताया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी के समय नीचे से काटते हैं, नीचे यानी जो इंट्रोइटस एरिया होता है यानी कि जहाँ से ब्लीडिंग होती है वहाँ पे कट दी जाती है। उसमें टाके कैसे लगते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। दिस कट इज कॉल्ड एज एपिसियोटमी, जो हम लोग यूजली राइट लैटरल पोजिशन में करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि हमारी माँ का पेल्विस एडिक्वेट है, कोई रास्ता बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं काटेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि बच्चा का सिर फंसा हुआ है और वो जो जगह है उसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो बाकी चीज़ नहीं फटेगा, क्योंकि हम जो कट कर रहे हैं वो तो बहुत ही लीनियर कट करते हैं, है ना, कहीं वो फोर्स वाला कट नहीं है कि कहीं भी फट फूट जाएगा। तो ये जो कट दी जाती है वो उस एरिया को बड़ा करने के लिए दिया जाता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी जो है स्मूथली हो जाए, बिना पेशाब की थैली को इंजरी किए हुए, बिना पॉटी वाले रास्ते को इंजरी किए हुए। क्योंकि जो डिलीवरी का पोजिशन होता है एक औरत का, उसके ऊपर और नीचे पेशाब की थैली और पॉटी का रास्ता होता है, तो एक भी गलती अगर हम करते हैं तो फोर्स ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाएगा। इसीलिए ये एपिसियोटमी इंसिजन दी जाती है ताकि वो हम डिस्टर्ब ना करें, है ना। हमारा मकसद ये नहीं है कि डिलीवरी बस जैसे तैसे हो जाए, हम ये चाहते हैं कि डिलीवरी के बाद हमारा पेशेंट भी ठीक रहे, जैसे वो पहले पेशाब पॉटी करती थी वो भी ठीक रहे, हमारा बच्चा भी ठीक रहे। दैट इज़ वाई एपिसियोटमी इंसिजन इज गिवन। जैसे ही डिलीवरी होता है हम वापस उस जगह को खूबसूरती से अपोज करते हैं जैसे वो नेचुरली था। आज के टाइम में हम एक सूचर यूज़ करते हैं जिसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो 10-12 दिन बाद खुद ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैं पर्टिकुलरली वाइक्रिल यूज़ करती हूँ और मैं सब कट सूचर देती हूँ कि आपको सूचर नज़र ही नहीं आए। पहले के ज़माने में अगर आप एपिसियोटमी सूचर्स देखेंगे यानी सिलाई देखेंगे तो जैसे हम लोग कपड़ा सिलते हैं वैसा बड़ा बड़ा सिलाई दिखता था वहाँ पे। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी बोलता है कि कुछ भी करो, कॉस्मेटिकली करो, उस फीमेल को वापस से उसके उस जगह को खूबसूरत बनाओ जो जैसा था, जैसा ऊपर वाले ने दिया था। सो मैं यूजुअली सबक्यूटेनियस ही देती हूँ एंड कोई निशान नहीं होता है, कोई धागा नज़र नहीं आता है और 10-12 दिन बाद वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है, उसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से नॉर्मल डिलीवरी के बारे में आपको समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा वो टाका क्या होता है। इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, जस्ट आपको धैर्य रखना है और अपने समय का इंतज़ार करना है। सो इसके अलावा अगर आपको कोई ज़रूरत हो, कोई कमेंट हो, प्लीज़ लिखें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें और वीडियो बनाने की कोशिश कर सकें। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।